2 BHK फ्लैट साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से वॉक इन डिस्टेंस पे, मेन रोड से मात्र 600 से 700 मीटर की दूरी पे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव वर्मा सस्ता घर के YouTube चैनल पे एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो सस्ता घर आप लोगों के लिए 2 BHK फ्लैट लेके आ गया है वो है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से मात्र 600 मीटर की दूरी पे। दोस्तों साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के आगे से ही एक 100 फीट रोड निकल रहा है जो कि सीधा जाके कनेक्ट करता है इग्नू हुए। उस रोड से मात्र 300 मीटर की दूरी पे आपको ये 2 BHK का फ्लैट मिल जाता है। अगर बात करूँ मेन रोड से, तो मेन रोड जो आपका छतरपुर मेट्रो स्टेशन से राधास्वामी सत्संग या गुरुजी की तरफ जाता है, उस मेन रोड से 700 मीटर की दूरी पे आपको ये फ्लैट मिल जाता है। दोस्तों बात करूँ अगर कनेक्टिविटी की, तो आपके घर से वॉक इन डिस्टेंस पे ही आपको ई रिक्शाज और शेयरिंग ऑटो मिल जाते हैं जो कि डायरेक्टली आपको सीधा छतरपुर मेट्रो ले जाता है। फिलहाल छतरपुर मेट्रो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे दोस्तों, लेकिन जो सिल्वर लाइन मेट्रो स्टेशन आ रहा है जो कि आपका तुगलकाबाद इग्नू होते हुए सीधा एरो सिटी जा रहा है, वो मेट्रो स्टेशन आपके इस फ्लैट से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आ रहा है जो छतरपुर का है। और अगर बात करूँ जो इग्नू का है, इग्नू का मेट्रो स्टेशन यहाँ से आपके इस फ्लैट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। दोस्तों काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी के साथ आपके लिए सस्ता का लेके आ गया मात्र 29 लाख रुपये में, 29 लाख रुपीज़ में ये 2 BHK फ्लैट। फ्लैट के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों आइए चलते हैं फ्लैट की तरफ। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने इस फ्लैट की एंट्रेंस पर। अगर मैं कॉमन एरिया की इसकी लॉबी की बात करूं तो काफ़ी स्पेशियस आपको इसकी लॉबी मिल जाती है। ब्लैक कलर के ग्रेनाइट का इन्होंने इसके कॉमन एरिया में यूज़ किया हुआ है, चाहे वो स्टेयर्स हो लॉबी हो चाहे वो पार्किंग हो। SS की रेलिंग लगा रखी है, काफ़ी स्पेशियस आपको इसकी स्टेयर्स भी मिल जाती है 2 BHK फ्लैट के साथ। अगर मैं एंट्री डोर की बात करूं तो अप्रॉक्स 3.5 फुट बाय 7 फुट का आपको ये एंट्री डोर मिल जाता है, जिसमें इन्होंने ऑलरेडी MS का गेट लगा रखा है। काफ़ी हैवी ये गेट है MS का दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने इस 2 BHK फ्लैट की एंट्रेंस में। अगर मैं इसकी एंट्री डोर की बात करूं, एक तो आपको MS का डोर मिल ही रहा है दोस्तों, जो इसका मेन डोर आपको मिल जाता है वो भी फ्लश डोर है, जिसमें इन्होंने नेचुरल लैमिनेट का यूज़ किया हुआ है। इसका डायमेंशन भी सेम है 3.5 फुट बाय 7 फुट का। जितने भी लॉक्स मिल जाते हैं आपको, हैंडल्स मिल रहे हैं, वो सारे आपको इसमें ब्रांडेड मिल जाते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके ड्राइंग डाइनिंग एरिया की, इस 2 BHK फ्लैट के साथ काफ़ी स्पेशियस आपको ड्राइंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है, अप्रॉक्स 16 फीट बाय 13 फुट का। दोस्तों इतना स्पेशियस आपको ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया मिल रहा है 2 BHK फ्लैट के साथ। बात करूँ इसके वेंटिलेशन की, मेरे राइट साइड पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपको एक विंडो मिल जाती है। आप इसमें चाहें तो ओपनेबल पाइंस भी लगा सकते हैं, इन्होंने फिक्स विंडो ग्लास लगा रखा है परिवार की सुरक्षा को देखते हुए। एक और वेंटिलेशन आपको मिल जाता है इसके ड्राइंग डाइनिंग के साथ, जो कि आपके शाफ्ट में विंडो ओपन होती है। दोस्तों इस पर भी इन्होंने MS की ग्रिल लगा रखी है, ऊपर भी आपको AC का पॉइंट मिल जाता है इसमें, जो आप विंडो AC लगा सकते हो, इसमें भी इन्होंने ग्रिल लगा रखी है। दोस्तों मेरे राइट साइड पे इसी ड्राइंग डाइनिंग एरिया के साथ आपको काफ़ी स्पेशियस किचन मिल जाती है दोस्तों, 8 फुट बाय 10 फुट की, इतनी ज़्यादा स्पेशियस आपको ये किचन मिल रही है 2 BHK फ्लैट के साथ, जिसपे टॉप इन्होंने ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है, टाइल्स लगा रखी हैं जो कि 3D में है। दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे हाइलाइटर है, बट ये प्रॉपर पूरी टाइल्स हैं जो इन्होंने लगा रखी हैं दोस्तों। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरेज मिल जाती है, आप इसको कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे आपका चिमनी का पॉइंट दे रखा है, चिमनी का आउटर आपका निकल जाएगा इस तरफ, आप चाहें तो चिमनी भी लगा सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन के लिए भी यहाँ पे एक प्रोविज़न दे रखा है, आप इस रेलिंग को निकाल के एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं। इन्होंने यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपको MS की ग्रिल्स मिल जाती हैं दोस्तों, काफ़ी हैवी ये ग्रिल इन्होंने लगा रखी है इसमें, आप चाहें तो यहाँ पर ओपनेबल विंडो भी लगा सकते हैं। ये भी आपका किचन काफ़ी ज़्यादा वेंटिलेटेड है। और स्पेस की अगर मैं बात करूँ, सेमी मॉड्यूलर दोस्तों किचन है, जिसपे वाइट कलर की इन्होंने लैमिनेट का यूज़ किया हुआ है, ऊपर डार्क कलर की लैमिनेट है। पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, गीज़र का पॉइंट मिल जाता है आपको, एक RO का पॉइंट मिल जाता है, यहाँ भी आपको एक पॉइंट मिल जाता है, आप चाहें तो यहाँ पे माइक्रोवेव लगा सकते हैं, अपना ओवन लगा सकते हैं, यहाँ पे मिक्सी का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस है ये किचन दोस्तों। दोस्तों ड्राइंग एरिया के साथ जो इन्होंने फॉल सीलिंग करवा रखी है, वो वर्टिकल कोफ के साथ पैनल लाइट का इन्होंने फॉल सीलिंग में यूज़ किया हुआ है, बीच में ग्रुप कार्ड रखे हैं। इसी के साथ मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख पा रहे हैं, इसी ड्राइंग एरिया में आपको TV पैनल का भी स्पेस मिल जाता है, इसके ऊपर इन्होंने फ्लैट सीलिंग का यूज़ किया हुआ है। दो तरीके की फॉल सीलिंग आपको ड्राइंग डाइनिंग एरिया में मिल जाती है दोस्तों। इसी के साथ कॉमन वॉशरूम भी आपको इस ड्राइंग एरिया के साथ भी मिल जाता है। कॉमन वॉशरूम की अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो अप्रॉक्स 6 फुट बाय 6 फुट का आपको ये स्पेशियस वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें इन्होंने वॉल माउंटेड सीट लगा रखी है। हैंड वॉश के लिए आपको यहाँ पे बेसिन मिल जाता है, मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख पा रहे हैं, ये शॉवर एरिया है दोस्तों, पूरा अलग से इन्होंने दे रखा है। और मेरे राइट साइड पे वेंटिलेशन के लिए यहाँ भी इन्होंने ग्रिल लगा रखी है दोस्तों MS की,
ऊपर आपको एग्जॉस्ट फैन के लिए भी स्पेस मिल जाता है दोस्तों, बहुत अच्छा वॉशरूम मिल जाता है आपको, ये भी 2 BHK फ्लैट के साथ दोस्तों कॉमन। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में। अगर फर्स्ट बेडरूम के डायमेंशन की बात करूँ तो 11 फुट बाय 13 फुट का आपको ये बेडरूम भी मिल जाता है, काफ़ी स्पेशियस है। मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख पा रहे हैं अप्रॉक्स 5 फुट बाय 7 फुट की आपको अलमीरा मिल जाती है, अलमीरा भी काफ़ी स्पेशियस आपको मिल जाती है, जिसमें एक हैंगर रॉड के लिए स्पेस दे रखा है, नीचे आपको स्टोरेज दे रखा है, नीचे आपको शूरक के लिए भी स्पेस दे रखा है, वेंटिलेटेड ये भी आपका रूम हो जाता है। मेरे राइट साइड पे आप देख पा रहे हैं ये ओपनेबल विंडो दे रखी है जो आपकी बालकनी में खुलती है दोस्तों, जिससे ये फ्लैट और ये बेडरूम आपका काफ़ी वेंटिलेटेड हो जाता है। फिटिंग फिक्सचर्स आपको इसमें ब्रांडेड मिल जाती है दोस्तों। आइए दोस्तों मैं अब आपको लेके चलता हूँ इसके सेकंड बेडरूम में। ड्राइंग एरिया के साथ ही आपको इसके सेकंड बेडरूम का भी कनेक्टिंग डोर मिल जाता है, जो कि अप्रॉक्स 3 फुट बाय 7 फुट का मिल जाता है आपको। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ तो अप्रॉक्स 10 फुट बाय 10.5 फुट का आपको ये बेडरूम मिल जाता है दोस्तों। ये मास्टर बेडरूम है, इसके साथ आपको एक वॉशरूम मिल जाता है 5 फुट बाय 5 फुट का, जिसमें इन्होंने वॉल माउंटेड सीट लगा रखी है, हैंड वॉश एरिया, शावर एरिया दे रखा है। वेंटिलेशन के लिए आपको शाफ्ट से कनेक्टेड एक एग्जॉस्ट फैन मिल जाता है, आप चाहें तो इसमें ओपनेबल पाइंस भी लगा सकते हैं, ओपनेबल विंडो भी लगा सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ आपको बालकनी भी मिल जाती है, बालकनी और ये वॉशरूम इसको मास्टर बेडरूम बनाता है दोस्तों। दोस्तों बैक साइड का ये फ्लैट है, बट 2 BHK फ्लैट है, काफ़ी अच्छे प्राइस सेगमेंट में और काफ़ी स्पेशियस आपको ये 2 BHK फ्लैट मिल जाता है दोस्तों। बैक साइड के भी इतने स्पेशियस फ्लैट मिलते नहीं हैं, सस्ता घर हमेशा कोशिश करता है आपको अच्छे से अच्छा स्पेशियस कम कीमत पे सस्ते सस्ता 2 BHK फ्लैट दिलवाने की दोस्तों। अगर मैं बात करूँ इसकी डेली नीड्स की तो दोस्तों ये राजपुर एक्सटेंशन में फ़्लैट मिल जाता है आपको, आपकी सारी डेली नीड्स यहाँ पे फुलफिल होती हैं, चाहे वो ग्रॉसरीज हो, वेजिटेबल्स हो, ATMs हो। अगर मैं बात करूँ इसके लैंड टाइटल की, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, GPA पे आपको ये फ्लैट मिल जाता है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे। अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की, मात्र 29 लाख रुपये में, 29 लाख रुपीज़ में आपको ये फ्लैट मिलता है। अगर मैं बात करूँ इसके साइज़ की, अप्रॉक्स 85 यार्ड में, 85 गज में आपको ये फ्लैट मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों अगर बात करूँ गवर्नमेंट से मिलने वाली सुख सुविधाओं के बारे में, तो दिल्ली जल बोर्ड का वाटर, BSES के मीटर आपको इजीली यहाँ पे मिल जाते हैं दोस्तों। और जो भी हमारी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। और दोस्तों अगर आप किसी और फ्लैट के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.sastaghar.in, उस पर जाके आप और भी फ्लैटों की जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। मैं राजीव वर्मा फिर मिलूंगा एक नए सफर पे एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।